नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जम्मू कश्मीर के उरी में हुए घातक आतंकी हमले को लेकर सरकार अपने तमाम विकल्पों पर विचार विमर्श कर रही है, चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ विचार विमर्श हुआ है। बैठक में यह भी तय पाया कि पाकिस्तान को हर सूरत में इस हमले का जवाब दिया जाएगा, जिसमें उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कूटनीतिक तरीके से अलग थलग करना भी शामिल है। लेकिन क्या भारत कोई सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है, इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। इसके अलावा एक बड़े फैसले में अब उरी हमले की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया गया है। एनआईए इस जांच का जिम्मा संभालेगी, डीएनए टेस्ट वहां से इकट्ठा करके, और फिर ये देखेगी पठानकोट हमले से क्या इससे कोई मिलती जुलती डिटेल्स उन्हें मिल सकती हैं। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं पूर्व डिप्लोमेट, फॉर्मर डिप्लोमेट शील कांत शर्मा, स्टूडियो में मौजूद हैं विनोद शर्मा, मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के, उमा सिंह हैं रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जेएनयू से, और साथ ही मेरे साथ कर्नल अनिल कौल भी मौजूद हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एम्बेसडर शर्मा, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं कि अभी जिस तरह की सूरत हाल हमारे सामने है, कहा जा रहा है कि पिछले 10 साल में जो है इस तरह का हमला नहीं हुआ है भारत के ऊपर जिस तरह से अभी देखा जा रहा है। अभी जो ऑप्शंस जो तलाशे जा रहे हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा सवाल है और उसकी बहुत सारे डिटेल्स भी हैं, लेकिन क्या वाकई ऑप्शंस हैं भारत के पास? देखिए, इस समय जो ऑप्शंस हैं उनका चर्चा थोड़ा सा मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वो तो जो लोग करेंगे वो लोग करेंगे। हम लोग अगर मीडिया में ऑप्शंस की निटिग्रिटी पे जाएंगे तो वो ना हम एक्सपर्ट हैं ना आप, तो लेकिन आपका तजुर्बा क्या बताता है? हमारा तजुर्बा तो ये दिखाता है कि जो पाकिस्तान ने जो कुछ किया है वहां वो लगातार और भारी होता रहा है। मतलब जो 10 साल बाद आप कह रही हैं ऐसी घटना हुई है, लेकिन कालचक में उन्होंने किया था तब दोनों तरफ फौजें खड़ी हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने हिमाकत की थी कि फौजियों के हमारे जो सेना थी उसके घरों में रहने वालों पर हमला किया था 2002 में। उसके बाद फिर वो दोनों तरफ ऑपरेशन पराक्रम चल रहा था, फिर 26/11 हुआ, उसके बाद पठानकोट हुआ। तो ये इनकी पाकिस्तान की जो हिमाकत है वो हदें पार कर चुकी है, और जो भड़काना इस तरह से हो रहा है उसके कारण देश तो क्षुब्ध है ही है। तो ऐसे क्षोभ के मौके पे अब क्या किया जाएगा, इस पर किसका निर्णय, तो नेता हैं वही करेंगे, जो लीडरशिप वही करेंगे। नाराजगी भी है, गुस्सा भी है, दुख भी है, ये अलग तरह के कॉम्प्लेक्स जो इमोशंस हैं वो एक साथ मिल गए हैं। ऐसे में जाहिर है जो सरकार है वो भी दबाव में अपने आप को महसूस कर रही है, और कई जानकार जो हैं लगातार, खासकर जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए जंग की बात बार बार कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये सही विकल्प है? एक बात और, आज अभी खबर आ रही है दोपहर से कि उरी सेक्टर में ही उन्होंने सीज फायर वायलेशन भी किया है, कुछ मोर्टार्स फायर किए। तो पाकिस्तान और उसके हिमायती कुछ ऐसे इकट्ठे हो गए हैं कि वो सारे गुनाह माफ, वो जो कुछ करे वो करते जाए और आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो एक स्थिति, आप हिमायती देशों की बात कर रहे हैं, हिमायती देशों की बात कर रहे हैं, जो एक कमेंट आया 2 दिन पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े हिमायती का, तो उन्होंने नाम तक नहीं लिया है और डायलॉग की बात की है। मतलब ऐसे मौके पे जबकि हम जानते हैं कि क्या हुआ है, बिल्कुल, फिर साथ में वो पिछले 18 सालों से हो रहा है ये कि अरे आप सबूत बताइए, फिर आप डोजिया दीजिए, तो वो शरारत जो करते हैं वो कुछ नहीं होता उसके बाद। तो अब हर जगह आदमी जानता है कि क्या कौन, जो जिसका जो जूता पहनने वाला है वो जानता है कहां जूता पिंच कर रहा है, चूप पिंच कहां पिंच कर रहा है। तो जिन पे चोट लगी वो जानते हैं कि इन्होंने किया है, बिल्कुल, और बाहर वाले कहते सबूत लाओ। तो ये सब फिर से शरारत शुरू होगा, ये अंदर से तिलमिलाता है हिंदुस्तान में, और इस तिलमिलाहट को डील करने के लिए लीडरशिप के ऊपर बड़ी चुनौती है, चुनौती भी है, दबाव भी है। हाँ, तो ये चुनौती का क्षण है, इसमें अगर हम ये बखान करने लगे कि आप क्या कर लेंगे, तो जैसे पहले हुआ, इसके पहले कई बार ऐसा हुआ है, आज भी अखबारों में पढ़िए आप, अखबारों में लोगों ने बड़ा जिसको कहते हैं परोपदेश पांडित्य, मतलब दूसरे को बताने के लिए पंडिताई दिखाना, तो बहुत से ऐसे पांडित्य दिखाने वाले आ गए कि आप ये नहीं कर सकते इसका ये होगा, ये नहीं कर सकते इसका ये होगा, ये नहीं कर सकते इसका ये होगा। तो सारा कुछ बखान यही कर लीजिए, सारी बातचीत यही कर लीजिए, और वो अपने खींचे बाग के खुश होंगे कि देखो ये कुछ नहीं कर पाए हिंदुस्तानी, फिर आपस में अपनी बुद्धिमत्ता दिखा रहे। तो ये जो वातावरण है इससे उभर के इस संगीन मौके पे ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को किस तरह से इसकी कीमत
समझ नहीं होगी। हाँ बिल्कुल विनोद शर्मा जी, कहा जाता है कि एक डिप्लोमेट जो है बहुत सोच समझ के तोल कर जब अपनी बात कहता है, लेकिन अगर शील कांत शर्मा जैसे लोग जो हैं जिनको गुस्सा आ रहा है उनको उनके तजुर्बा देखते हुए एक सीजन डिप्लोमेट होते हुए भी तो ये समझा जा सकता है कि जमीन पर जो है वो सेंटिमेंट क्या है। ऐसे में फिलहाल सरकार के पास विकल्प क्या है? देखिए कुछ मुद्दों पर सरकारों की नकेल जनता के हाथ में नहीं होनी चाहिए और ये उन मुद्दों में से एक है। अगर आपने किसी गैर मुल्क के खिलाफ जंग छेड़नी है तो वो फैसला सुलझा हुआ फैसला होना चाहिए, उसका एक दूरगामी पर्सपेक्टिव आपके पास होना चाहिए, उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। तो इसलिए जो जंग की बात कर रहे हैं वो राष्ट्रहित में नहीं बात कर रहे हैं, वो सरकार के जो ऑप्शंस हैं उनको संकुचित कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसे वक्त में ना तो कटाक्ष होना चाहिए ना मजाक उड़ाया जाना चाहिए सरकार का। अगर किसी ने माजी में ऐसा किया है इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम उसको दोहराएंगे तो सही बात करेंगे। तो एक बात तो ये तय हो जानी चाहिए कि जो टेलीविजन स्टूडियोज में जो बमबारी चल रही है उस पर किसी तरह का नियंत्रण, स्वयं का नियंत्रण जरूरी है, मैं समझता हूं मीडिया का। अब नहीं लेकिन इसमें यह भी बहुत जानना जरूरी है, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, कि क्या जो जनता के सेंटिमेंट्स हैं उसको स्टूडियो दिखा रहे हैं या स्टूडियोज जो हैं वो सेंटिमेंट्स भड़का रहे हैं? भड़का रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। अब आप देखिए कि कोई सैनिक है वो वहां मारा गया है और उसके आप जाके रिश्तेदारों से बात करेंगे तो स्वाभाविक है कि जनता भी भावभीत हो जाएगी। वो लोग तो है ही जिन्होंने जिनका नुकसान हुआ है, जान का नुकसान हुआ है जिनके परिवार में। तो मैं समझता हूं कि ऐसे मौकों पे संजीदगी दिखाने की बहुत जरूरत होती है। अब रही बात कि भारत को क्या करना चाहिए, भारत एक वो मुल्क है जिसका मॉरल हाईग्राउंड पाकिस्तान के मुकाबले हमेशा रहा है और उस मॉरल हाईग्राउंड को क्यों हमने बरकरार रखा, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट माने जाते हैं। उसी के चलते हम लोगों को जहां जहां पहुंच मिली, बावजूद इसके कि हमने सीटीबीटी की डीजोरे अभी तक हमने एंडोर्समेंट नहीं की, डिफेक्टो ही की है, और एनपीटी को हमने साइन नहीं किया, उसके बावजूद भी हमको ऐसे इदारों में जगह मिलने की की एम्बिशन है और मिली है, यूएनएससी का जिक्र कर रहे हैं, जो किस पर किस दम पे मिली, बिकॉज वी आर क्रेडिबल न्यूक्लियर पावर। हम क्रेडिबल क्यों है, क्योंकि हम जंग की बात नहीं करते हैं, हम अमन की बात करते हैं, और बावजूद इसके कि हम पे परस्पर अटैक हुए हैं हमने अपनी उस इक्वानिमिटी ऑफ माइंड को खोया नहीं है, तो आज भी खोने की जरूरत नहीं है। अभी जो सरकार ने फैसला लिया, जो माननीय गृहमंत्री का पहला बयान था उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है दैट पाकिस्तान शुड बी डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट स्टेट एंड आइसोलेटेड इन द कमिटी ऑफ नेशंस। अब ये लाइन तो सही है लेकिन इस पे बातचीत आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए कि हमको ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर चल रही है, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस के तहत वो वॉर है जी। और उसमें जो P5 है वो सबको उसमें योगदान देना चाहिए, लेकिन एक जो P5 में से है उसका नाम चीन है। वो परस्पर क्वेश्चन प्रोवाइड कर देते हैं पाकिस्तान को। अब हमको समझाना है चाइना को भी, लेकिन उसके साथ साथ जो हम बलूचिस्तान का मसला रेस कर रहे हैं जी जी, उसमें जो सीपेक है जो चीन बना रहा है पीओके के जरिए, उसको बलूचिस्तान से भी होके जाना है, तो मैं समझ रहा हूं कि कुछ कठिनाई हमारी जो पैराडाइम शिफ्ट हुई है फॉरेन पॉलिसी में उसके कारण हमारे रास्ते में आ सकती है। कन्वेंशनल वॉर, कोई भी क्लॉजविटियन वॉर आज की दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और अगर होगी तो फिर वो जो पाकिस्तान को एक मौका मिल जाएगा जो बार बार वो बात दोहराता है कि साउथ एशिया इज अ पोटेंशियल न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और फिर तमाम अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस कूद जाएंगी मैदान में और हम पे दबाव बढ़ेगा और पाकिस्तान पे दबाव। और विनोद जी ये भी देखना होगा कि क्या वाकई जिस मुहाने पर भारत खड़ा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और सैन्य ताकत के हिसाब से, क्या वाकई ये भारत के हित में है, क्या ये भारत के हित में है, ये भी देखना है। कर्नल कौल ये बताइए फिलहाल कि NIA को जो है ये जांच का जिम्मा सौंपा गया है, कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं ये मद्देनजर इस बात को रखते हुए कि पठानकोट के मामले में भी जब ये NIA जांच कर रही थी लगातार खत भेजे गए पाकिस्तान को लेकिन 11 खतों का भी कोई जवाब नहीं आया, फिलहाल इस जांच का जिम्मा NIA को सौंपने को आप कितना महत्व देना चाहते हैं?
देखिए, मैंने इसका कल या परसों किसी चैनल पे बात हो रही थी तो मैंने ये इसका चर्चा किया था, मैंने सुझाव दिया था और मेरे मैं बड़ा खुश हूं कि सुन के कि इनका डीएनए टेस्ट किया जा रहा है चारों का। ये डीएनए टेस्ट मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में केपीएस गिल ने टेररिस्ट के रिश्तेदारों को पकड़ पकड़ के मारा था और उससे जो असर हुआ था तो वो टेररिज्म पंजाब में खत्म हो गया था, वही चीज ये कश्मीर में होना चाहिए। क्योंकि ये आप चाहे कह लीजिए ये फॉरेन टेररिस्ट हैं, चाहे मिलिटेंट हैं, चाहे जो नाम दे दीजिए, इनका लोकल इन्फ्लुएंस है और इनकी लोकल रिश्तेदारी है और हमको ऐसी जगह पे इनको मारना है जहां पे इनको हर्ट करे, और जब इनको हर्ट करेगा तो फिर ये अपनी कार्रवाइयां रोकेंगे। और बाकी ये आपके सीनियर डिप्लोमेट्स और वगैरह ये जियो स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं, फिलहाल ग्राउंड पे एक आक्रोश है फौज में, क्योंकि हमारे जो जवान मारे जा रहे हैं उनका कौन मुआवजा देगा? ये डिप्लोमेसी और ये सब कहानियां सुबह ये बातें करनी बंद करिए। देयर हैज टू बी प्रोएक्टिव एक्शन। क्या एक्शन है उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है, कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, दैट यू लीव टू द मिलिट्री, दे'ल डू इट। बट जो करना है वो रिट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। आप अपनी डिप्लोमेसी करते रहिए, यूएन में जाके ट्रेंड टू टीचर करते रहिए कि मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, बट इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये सुनने को तैयार नहीं है। आप किसी भी पाकिस्तानी एनालिस्ट के साथ बहस कर लीजिए, वो डिनायल में आ जाता है, वो मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन तो या तो ये पाकिस्तानी नहीं है और ये हमारे अंदर ही है, और अगर हमारे अंदर है तो फिर ये सर्वदलीय बैठक और ये बिरयानी बैठक और ये सब भी बंद करिए जी। लेकिन कर्नल कॉल, जिस तरह से विनोद शर्मा के एक दो जो दलीलें हैं उनकी, राशन पानी बंद करो। जी हाँ, विनोद शर्मा की जो एक दो दलीलें हैं, एक पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि एक मॉरल हाई ग्राउंड, जो नैतिकता का स्तर भारत अब तक लेता रहा है और एक क्रेडिबल न्यूक्लियर पावर की तरह जाना जाता रहा है, अगर जंग का ये ऑप्शन अपने सामने हम रखते हैं तो इसको धक्का पहुंचेगा, और दूसरे कहीं ना कहीं आर्थिक, सामाजिक और सैन्य स्तर पर हमें ये तोलना भी होगा इस बात को अच्छे तरीके से कि क्या वाकई जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि कदम उठाना होगा, बदला लेना होगा, क्या इसके सही मायने हैं, क्या ये करना ठीक होगा इस वक्त पर? मैडम देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप डिप्लोमेसी बंद कर दीजिए या बातचीत बंद कर दीजिए, वो अपनी जगह पे, और आज की तारीख में जरूरी नहीं है जंग करना। जंग का मतलब डज नॉट मीन कि हमने हथियार लेके दावा बोल देना है, बहुत तरीके हैं, और आज की तारीख में आपके पास ऐसे हथियार हैं, ऐसे लैस हैं हमारे पास हथियार जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, पता भी नहीं चलेगा कहां से आया कहां गया, हमको टारगेट पता होना चाहिए और टारगेट से उड़ा के उसको दो। इट हैज टू बी द प्रिंसिपल जिसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं कि यू हैव टू हर्ट हिम वेयर इट हर्ट्स मोस्ट, देन ही विल स्टॉप इट, अदरवाइज ही विल नॉट स्टॉप इट। जी, प्रोफेसर उमा सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर उमा सिंह, ये बताइए कि हर तरफ से जिस तरह की आवाजें आ रही हैं, खून में उबाल है हम जानते हैं, गुस्सा भी है, युद्ध घोष हो रहा है एक तरह से, ऐसे में किस तरह से पूरे हालात को देखा जाए, जांचा परखा जाए, भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक ऑप्शन के तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेटिक जो रिश्ते हैं पाकिस्तान से वो खत्म कर दिए जाएं, डाउनग्रेड किया जाए रिलेशंस को, इंडियन हाई कमिश्नर जो है उन्हें वापस बुला लिया जाए इस्लामाबाद से, उसके बाद जो है जगह जो है भारत के डिप्लोमेट्स जाएं तमाम देशों में और सपोर्ट समर्थन इकट्ठा करें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फिलहाल चल रही है उसका इस्तेमाल किया जाए, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से उसको अलग थलग करने की एक कोशिश के तौर पर। ये देखिए, ये मैं मानती हूँ कि इन उरी अटैक के बाद भारत में बहुत ज्यादा आक्रोश है और ये आक्रोश मीडिया के साथ साथ हमारे पॉलिटिशियंस ने भी को बहुत बढ़ावा दिया है, पर मैं उन लोगों में से हूँ कि जो उरी अटैक है 10 साल के बाद हुआ है पर ये पहला अटैक नहीं है। इतना जघन्य अटैक मुंबई में भी हुआ था, पठानकोट में भी हुआ था, पर इसमें इतनी सारी आक्रोश
की वजह से बातें करना कि हमें पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक ब्लॉकेट करना चाहिए, हमें इकोनॉमिक सैंक्शन करना चाहिए, हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। आप बताइए कि क्या इंडिया चाइना को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट कर दे? क्या इंडिया ये इग्नोर कर सकता है कि चाहे यूएस का रवैया इंडिया की तरफ बहुत फेवरेबल है, पाकिस्तान को वो ब्लेम कर रहा है? अभी हाल ही में एक यूएस सेनेटर आए थे कार्नी जी इंडिया में लेक्चर देने, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यूएस की सबसे बड़ी फेलियर है उसकी पाकिस्तान पॉलिसी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी ने कहा था कि पाकिस्तान अपने पीछे सांपों को पाल रहा है, पर उसके बावजूद हम क्या समझते हैं कि अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट को छोड़ देगा? क्या अमेरिका इस बात को भूल जाएगा कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल एसेट क्या है? क्या अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते जो इतने 1947 से चल रहे हैं उसको क्या आप समझते हैं कि भारत के प्रेशर से अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट छोड़ के भारत के साथ पाकिस्तान का बदला लेगा? ये सारी चीजें इमोशंस की वजह से हमें नहीं देखनी चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि हमें इस बार बहुत ही प्रोएक्टिव और बहुत ही, मैं तो इस बात को भी कहूंगी कि हमें हॉट परस्यूट भी करना चाहिए, पर इसके साथ साथ एक डिप्लोमेटिक प्रेशर के साथ साथ हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। और इस लड़ाई को, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी कोई आज से नहीं है, ये पिछले 70 साल से है, और आर्मी का सबसे बड़ा जो उनका सेंट्रल आइडियोलॉजिकल ऑब्सेशन है वो है टू क्रिएट एन एंटी इंडिया फावर, और पाकिस्तान की सारी आइडेंटिटी ये है कि दे वांट टू बी अन इंडियन, एंटी इंडियन, एंड इंडिया के खिलाफ अपनी पूरी स्ट्रेटजी को वो चाहते हैं कि ये तो हमारा जी पाकिस्तान इज आर्मी इज द डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान्स आइडियोलॉजी। बिल्कुल, तो इसलिए हमें जी इसलिए हमें थोड़ा बहुत ही इन बातों को सोच, मैं चाहती हूँ कि इसमें हमें आर्मी को ये इनिशिएटिव देना चाहिए कि वो इस परिस्थिति को किस तरह से डील करते हैं, और हमारी हिंदुस्तानी आर्मी बहुत ही सक्षम है, और मैं इस बात का पूरा मुझे यकीन है कि हमारी भारतीय आर्मी पाकिस्तान के इन अटैक्स को, आज भी एलओसी पे अटैक्स हो रहे हैं, पर सवाल ये है कि इस तरह का आक्रोश पैदा करके नहीं, लेकिन लोगों की उम्मीदें ऊपर ले जाके, लेकिन प्रोफेसर उमा सिंह जब आप ये कह रही हैं, एक मिनट जी, नहीं मैं अपना सवाल जोड़ दूं, अपनी बात पूरी करिएगा आप। मैं ये कह रही हूं कि जब आप ये कह रही हैं कि आर्थिक तौर पर और अगर डिप्लोमेटिक जो तरीके हैं, अगर उन दोनों में अमेरिका और चीन जो हैं वो पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो अगर भारत कोई मिलिट्री एक्शन लेता है तो क्या ये दोनों देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े होंगे? देखिए ये तो बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल एक मामूली सी बात कि भारत चाहता था कि मसूद अजहर को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, चाइना ने क्या भारत की बात मानी? चाइना के साथ हमारी बायलैटरल डिस्प्यूट्स हैं, पर क्या हम चाइना के साथ बातचीत नहीं कर रहे? तो इसी तरह मैं नहीं समझती कि इतना ज्यादा आक्रोश और इतना ज्यादा पाकिस्तान की तरफ ये कि उनके हाई कमिश्नर को वापस भेज दिया जाए, वहां से बातचीत करना बंद कर दिया जाए, ये चीजें आप ये हम भूल नहीं सकते कि भारत पाकिस्तान हमारा इमीडिएट नेबर है जी, और ये चीजें नई नहीं है। लेकिन प्रोफेसर उमा सिंह विरोधाभास नजर आ रहा है आपकी बात में। मैं वापस लौटती हूँ विनोद शर्मा जी, एक तरफ वो ये कह रही हैं कि डिप्लोमेटिक और जो है वो आर्थिक तरीके नहीं है, सेना को जो है जिम्मा सौंप दिया जाए, दूसरी तरफ वो ये भी कह रही हैं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, और ये भी कह रही हैं कि चीन और यूएस साथ नहीं खड़े होंगे। फिलहाल जो हमारे आर्मी के कमांडर्स हैं, सेनाएं हैं, कम से कम वो तो लड़ने के लिए तैयार नहीं नजर आ रही हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, एक बात जो कर्नल कौल की बहुत इज्जत करता हूं, कर्नल साहब की अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, और प्रोफेसर साहिबा के भी पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन किसी भी जमहूरियत में फौज अपने आप से एक्शन नहीं लेती, डिसीजन तो पॉलिटिकली होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा डिसीजन होगा उसका पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत हैवी होगा सरकार के लिए और भारत के लिए। दूसरी बात, प्रोफेसर साहिबा ने कहा हॉट परस्यूट अमाउंट टू इन्वेजन ऑफ पाकिस्तान। हम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? हम क्या इसको मणिपुर वाला इंसिडेंट समझ रहे हैं कि मणिपुर में 17 मर, लोग कहते कि इतने जवान कभी नहीं मरे, मणिपुर में कितने मरे थे? 17 या 18, लगभग वही आंकड़ा था। और उसके बाद आपकी चूंकि फ्रेंडली रिलेशनशिप थी म्यांमार के साथ, आपके साथ आपकी एक संधि थी उनके साथ,
तो आप हॉट परस्यूट में गए, लेकिन वो भी नो मैन्स लैंड था, वो भी शायद म्यांमार नहीं है। देखिए वो पहले हम हॉट परस्यूट में जाते रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ हमारा कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता रहा है। उसी तरह जब सुच्चा सिंह को दिल्ली भारत की पुलिस ने पकड़ा, जिन्होंने प्रताप सिंह कैरो को मारा था, तो हॉट परस्यूट में पंजाब पुलिस गई थी नेपाल के भीतर, वो भी फ्रेंडली कंट्री है। तो हॉट परस्यूट तो दो फ्रेंडली कंट्रीज में हो सकता है, लेकिन किसी नॉन फ्रेंडली कंट्री के अंदर आप घुस जाए उसको हॉट परस्यूट नहीं कहेंगे आप, वो तो इन्वर्जन हो जाएगा, फिर तो वो फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि इसको हमको बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए। और सबसे प्रॉब्लम सबसे बड़ी आज के दिन आरफा ये है कि कश्मीर के भीतर जो हलचल है, हमारी तरफ जो कश्मीर के भीतर हलचल है, खुदा न खास्ता आज के दिन अगर लड़ाई हो जाएगी तो ये हो सकता है। और पहले भी पाकिस्तान ने कोशिश की है ऑपरेशन जिब्राल्टर से लेकर और लड़ाइयों तक कि भारत की सेना को एक एंड पे नहीं दो एंड पे लड़ना पड़े, अंदर भी और आगे भी और पीछे भी। तो हमको बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। ये बहुत ही संगीन स्थिति है आज के दिन, देश को एक आवाज में बोलना चाहिए, सरकार पे तंज नहीं कसना चाहिए और ढोल नहीं पीटने चाहिए स्टूडियोज में बैठ के कि लड़ाई छेड़ दो। इसको सोची समझी सुनियोजित एक स्ट्रेटेजी के तहत आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन सेना की जो प्रतिक्रिया है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो बैठक हुई है इसमें सेना ने खासकर ये कहा है कि हमें नहीं जाना चाहिए हॉट परस्यूट में, या हमें जो है नहीं इस तरह का कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात की जो अलग अलग ऑप्शंस तलाश किए जा रहे हैं उसमें एक आर्थिक भी है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो ट्रेड है, हालांकि बहुत छोटा ट्रेड है, $2.3 बिलियन का ट्रेड जो है भारत पाकिस्तान के बीच होता है, क्या इसे खत्म कर दें हम, दूसरे देशों से ये कहें कि सैंक्शन लगाए, यूनाइटेड नेशन से ये कहें कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाए, क्या ये सब हमारे पास ऑप्शन है? या फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो टेररिस्ट कैंप हैं फिलहाल पीओके में, क्या पाकिस्तान इसे किस तरह से लेगा अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात हो रही है, अगर फाइटर जेट जो है हमारे वहां जाते हैं? नहीं देखिए, ये जो है एक अंग्रेजी कहावत है, टू मच केयर किल्स द कैट। तो ये जो मौका है, बड़ा इस समय चुनौती आई है पाकिस्तान से, और इस चुनौती के क्षण में संजीदगी और अच्छी तरह से विचार करना तो बहुत जरूरी है। पर हो ये रहा है कि वी आर जंपिंग द गन और जंपिंग टू कंक्लूजन्स। तो जंपिंग द कंक्लूजन करके डैमिंग बाय डिस्टॉर्शन हो रहा है। मतलब अच्छा, तो क्या आप जंग करेंगे? तो जंग नहीं कर सकते, तो आप तो नहीं कर सकते साहब। अच्छा, तो क्या आप न्यूक्लियर वॉर करेंगे? वो नहीं कर सकते साहब, तो वो भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से बाय रिडक्शन ऑफ सर्डम हम लोग ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जिसमें कि कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये जो मैसेज है ये पाकिस्तान को और शह देती है। पाकिस्तान सोचता है कि देखो ये इंडियंस कुछ नहीं कर सकते, हमने इनको ऐसा चेकमेट किया हुआ है। तो उस स्थिति से हटने के लिए बहुत आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, कुछ ऑप्शंस निकालने। कश्मीर वाला जो पहलू कह रहे थे विनोद शर्मा, उसका आप जवाब देना चाहेंगे? कश्मीर वाला पहलू जो है वो हमारा आंतरिक पहलू है, और वो उस आंतरिक उसको हम डील कैसे करेंगे इसकी घोर समस्या है, वो अलग है। लेकिन पाकिस्तान इसमें फिशिंग, कश्मीर जिस तरह से प्रतिक्रिया देगा अगर जंग होती है तो, नहीं जंग की तो बात क्या कोई कर ही नहीं रहा, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। नहीं तो लेकिन आप इस समय डिबेट में, अगर मैं यहाँ से मुझसे कोई पूछे, इस पैनल में दो लोग कम से कम कह रहे हैं कि जंग पे जाना नहीं, जंग की बात बिल्कुल, जंग इस समय जंग की बात करना, और देखिए जो भी जंग पे जाते हैं, और भारत का पाकिस्तान के साथ कोई जंग जब भी हुआ है उसमें उकसाना पाकिस्तान की तरफ से हुआ, पाकिस्तान ने इन्वेट किया, लेकिन फिर भी अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल में जाएं या यूएन में जाएं तो चाहे वो 65 हो चाहे 71 हो, पाकिस्तान के हिमायती तब भी मानने को तैयार नहीं थे कि पाकिस्तान ने हमला किया। तो ये जंग और डिप्लोमेसी का एक दूसरा शराड है, उसमें जो हिमायती होते हैं वो हमेशा जिम्मा दूसरों को देते हैं, और पाकिस्तानी आज भी नहीं मानते कि उन्होंने शुरू किया, वो तो कहते हिंदुस्तान ने शुरू किया। तो जंग की बात नहीं करना, जंग जब होगा होगा उसकी बात तब जाने, लेकिन फौज जो है उसके अंदर क्षोभ है, उसके अंदर आक्रोश है, और एक पुरानी कहीं ना कहीं डीमोरलाइज भी है। क्या डीमोरलाइज? नहीं, ये मैं बताता हूँ, लोहा जब लोहा लोहे से डील करता है तो उसको तपाता है फिर पीटता है, फिर ठंडा करता है फिर तपाता है फिर पीटता है। तो ये बार बार इस तरह से करने से लोहा कमजोर होता है। तो जो आपकी सुरक्षा का लोहा है उसको अगर आप बार बार इस तरह से आजमाएंगे और कुछ नहीं करेंगे तो उस लोहे पर जो प्रभाव पड़ेगा वो भी तो देखने की बात है, और दुनिया के देश देखते हैं इस बात को। आप भले ही सारी डिप्लोमेसी और सारी वाग वितंड्रा जिसको कहते हैं, मतलब यू नो बौद्धिक विलास और बातों से खूब बातों का जमा खर्च जो हम लोग बात करते हैं वो सब कर लें,
लेकिन बाहर के दोष ये भी देखते हैं कि ये कर क्या रहा है हिंदुस्तान, और अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो जो मैसेज जाएगी वो दूसरी होगी, तो इसलिए चैलेंज दूसरा है, बहुत बड़ा है। कल कॉल ये बताइए कि ये भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस वक्त भारत का स्टैंड क्या है, क्या जैश ए मोहम्मद जिसका जिक्र हो रहा है कि वो इस हमले में शामिल रहा या उसकी तरफ से सीधा हमला है, क्या भारत उसको जिम्मेदार मानता है, या वाकई भारत की अब तक की स्थिति यह बता रही है कि इसमें पाकिस्तानी सरकार या मिलिट्री जो है उसका कोई रोल है, क्योंकि पाकिस्तान पर हमला क्या हम ये कह रहे हैं कि पीओके पे करेंगे या वाकई एक ऑल आउट वॉर के लिए जाएंगे। अच्छा देखिए, ये जो आपने अभी बोला है कि फौज ने कहा है कि हम हॉट परसूट नहीं करना चाहते हैं या जंग के लिए तैयार नहीं है, ये मेरे लिए थोड़ा सा जरा बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा किसी ने ये स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि आज की तारीख में जी बाकायदा खबर छपी है, तैनात है इंडियन एक्सप्रेस अखबार में बाकायदा खबर छपी है, एटलीस्ट लोकल कॉन्फ्लिक्ट को करने के लिए तो सक्षम है। बाकी जो विनोद साहब कह रहे हैं कि जंग नहीं हो सकता, न्यूक्लियर वॉर नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये एक मन की प्रतिक्रिया है कि क्यों नहीं हो सकता है। हमने ब्लफ कॉल करना है, वो हमको धमकी देता है कि अगर आपने हम पे अटैक किया तो हम आपके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे, हमने नो फर्स्ट यूज पे किया है, तो जब सेकंड यूज होगा तो उनकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ वेदर टू कॉल द ब्लफ और नॉट, और हम हमेशा डरे रहते हैं कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे ऊपर फेंकेंगे, या हम डर कब तक सहन करेंगे जी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जंग करिए ऑल आउट वॉर, बिकॉज ऑल आउट वॉर मीन्स लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट और भी तरीके बहुत है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि और तरीके बहुत है जिससे कि आप इनको सबक सिखा सकते। बिल्कुल, अब मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया है, माफ कीजिएगा समय समाप्त हो गया, 10 सेकंड विनोद जी। अफसोस की बात है कि कर्नल साहब, मैंने ये नहीं कहा कि वो कह रहे कि जंग हो जाएगा, मैंने कहा कि जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान कहेगा कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट नजदीक है और तमाम अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस इस मैदान में कूद जाएंगी, हम पे दबाव पड़ेगा। देखिए हम लोग वो पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजी में सक्सेसफुल हो जाएगा, हम लोग बात करना कम करें और काम करना ज्यादा करें। जिस कोवर्ट एक्शन की आप बात करते हैं उसका डिंडोरा पीट के नहीं लिया जाता है कोवर्ट एक्शन, उसका बात करने से भी उसकी वैल्यू, उसके बात करने से उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। और बार बार हमने सुना कि डीजीएमओ बोल रहा है वी विल डिसाइड अवर टाइम एंड अवर एक्शन, प्लीज फॉर गॉड्स सेक सर, अरे देयर इज टू मच ऑफ डेमोंस्ट्रेटिवनेस इन अवर सोसाइटी, उसको बंद करके अगर कोवर्ट एक्शन किया भी है उसके बाद ये कहना नहीं है कि हमने किया है, क्योंकि उसमें फिर आपको जो इंटरनेशनल अप्रोप्रियट मिलेगा वो आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, आप कोविड एक्शन कीजिए, मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पे भारत में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, जाहिर है पॉलिटिकल लीडरशिप पे बहुत दबाव है, लेकिन जिस तरह से विनोद शर्मा ने कहा कि कुछ वक्त ऐसा होता है जहां सरकार को अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी, और शायद सेंटिमेंट्स के बल पर या नकेल जो है वो जनता के हाथ में सरकार की नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।